नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है चार मार्च 2024 और यहां पे पांच मार्च 2024 के लिए यानी कि मंगलवार के लिए तीन स्टॉक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया दोस्तों उसके लेवल बताऊंगा सिलेक्शन रीजन भी समझाऊंगा लेकिन कोई भी प्रश्न बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पर तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम साफ करके ही ट्रेड करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए सबसे पहले सिलेक्शन समझते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स है वो भी देख लेते हैं तीनों अलग अलग सेक्टर का स्टॉक है तो पहला स्टॉक आपके सामने में है जीएनएफसी गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन रीजन देखना है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जीएनएफसी स्टॉक का नाम है पंद्रह मिनट के चार्ट पर अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का यूज करते हुए उपयोग करते हुए इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है डिसेंडिंग यानी गिरता हुआ त्रिभुज तो गिरता हुआ त्रिभुज के पास अब जो है इसके पास जगह कम हो गया देखिए तो जाहिर सी बात है जब जगह कम है तो या तो ऊपर की तरफ तोड़ेगा या तो नीचे की तरफ तो डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का यानी गिरता हुआ त्रिभुज का निर्माण हुआ अब इस त्रिभुज को चाहे ये ऊपर तोड़ दे चाहे ये नीचे तोड़ दे हमारा डायरेक्शन में बनेगा अगर ऊपर तोड़ा तो बाय साइड नीचे तोड़ा तो सेल तो सेल साइड हम पहले मान के चलते हैं कि ये ऊपर तोड़ता है तो 637 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाइब सिक्स थर्टी सेवन जो स्टॉप लॉस होगा वो सिक्स थर्टी थ्री का होगा और जो टारगेट होगा वो सिक्स फोर्टी वन दूसरा सौ पैंतालीसरा छह सौ उनचास सिक्स फोर्टी नाइन का अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक कर जाता है तो सेल साइड जाने की कोशिश करेंगे तो सेल का लेवल होगा 630 सौ तीस के नीचे सेल बिलो सिक्स थर्टी तीस के नीचे बेचेंगे जो स्टॉप लॉस होगा वो सिक्स थर्टी फोर सौ रुपए का होगा और जो टारगेट होगा वो पहला सिक्स 626, ट्वेंटी 626, 626, 626, 626, 626, 626, 626, का शुरू को अवॉइड करके चलना है उसके बाद स्टॉक बाइंग सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें अदरवाइज उस ट्रेड को आप करके चल सकते। तो ये पहला स्टॉक जीएनएफ से देखिये मैं यहाँ पे स्टॉक्स अपने बता रहा हूं और आपको इस बेस पर अपना स्टॉक्स ढूंढना है अपना लेवल निकालना है इस प्रोसेस से इस मेथड से और उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है तो करना है। मेरा इस वीडियो को आप यूज कर सकते हैं सीखने के लिए ठीक है कि किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है अब बढ़ता हूं सेकेंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों और सेकेंड स्टॉक है जे एस एल यानी कि जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड अब जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड अभी आपको 15 मिनट के चार्ट पे समझ में नहीं आएगा इसमें तो इसको हम डेली के चार्ट पे करते हैं और तब आप देखिए कि क्यों सेलेक्ट किया गया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को रीजन है कि डेली के टाइम फ्रेम पर एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन का ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम ले रहा है और आज उस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके ये सस्टेन भी करने की कोशिश कर रहा है एक ब्रेकआउट हुआ है डेली के चार्ट अच्छे वॉल्यूम के साथ भी नीचे में वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है काफी के बाद तो अगर कल ये वापस ऊपर की तरफ में ही करता है तो खरीदारी बनेगी 686 के ऊपर छो 682 का होगा और जो टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पर टारगेट वो पहला सिक्स नाइनटी नब्बे दूसरा सिक्स 694 फोर छह सौ चौरानवे और तीसरा सिक्स नाइनटी एट अंठानवे रुपए का क्लियर लेकिन अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है तो सेल करेंगे 680 के बिलो 680, से 680 सेल बिलो 680 स्टॉप लो सिक्स एटी फोर छह सौ चौरासी रुपए का और जो टारगेट होगा सिक्स सेवेंटी सिक्स छह सौ छिहत्तर सिक्सो बहत्तर और तीसरा सिक्सो अड़सठ रुपए का बिना दोस्तों स्टॉप लॉस तो ट्रेड करना ही नहीं है और अगर फर्स्ट टारगेट के पास में स्टॉक पहुंचता है तो जरूर टू क्वांटिटी बुक कीजिए क्योंकि जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं याद रखिए बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के बाद जो तीसरा स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का एक्सिस बैंक तो चलिए एक्सिस बैंक आपके सामने में आ गया और ये डेली का सिलेक्शन रीजन इस पे भी है आप देखिए किस तरह से ये 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 जो फॉल हुआ ये ट्रेन लाइन से टकरा के उसको ये इसने रिकवर किया है लाइन के वापस रिक्लेम किया है ना और एक रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियस था उसको भी इसने राउंडिंग बॉटम बना के डेली चार्ट पे चार्टिक्लेम कर लिया यानी तेजी में आता हुआ नजर आ रहा है तो अगर ये तेजी को बरकरार रखता है एक हजार एक सौ आठ के ऊपर निकालता है तो एक बाइंग ऑपरचुनिटी बनेगाउजेंड वन हंड्रेड एट बाय एस इसके ऊपर स्टॉप लॉस हमें ग्यारह सो दो रुपए का डबल वन जीरो टू का लेके चलेंगे और टारगेट होगा डबल वन वन फोर एक हजार एक सौ चौदह का दूसरा एक हजार एक सौ बीस डबल वन टू जीरो और तीसरा एक हजार एक सौ चौबीस डबल वन टू सिक्स टू फोर ने टू सिक्स है ना एक हजार एक सौ छब्बीस रुपए का चलिए इसको मैं मिटा के फिर से लिख देता हूँ एक हजार एक सौ छब्बीस रुपए का अब अगर ये नीचे के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे ग्यारह सौ के नीचे राउंड नंबर एलेवन हंड्रेड ग्यारह सौ के नीचे बेचना है स्टॉप लॉस ग्यारह सौ छह रुपए का लेके चलेंगे डबल वन जीरो सिक्स का जो टारगेट होगा वो एक हजार चौरानवे रुपए वन जीरो नाइन फोर दूसरा एक हजार अट्ठासी वन जीरो डबल एट तीसरा वन जीरो एट टू एक हजार बेरासी रुपए का तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिए कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करिए और अगर आप मेरे इन स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद